वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, इट्स मी खानजादी और मैं लोगों के जले हुए दिलों में रहती हूँ। और इंग्लिश में जले हुए दिलों को क्या कहते हैं ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज का व्लॉग फिर किचन से स्टार्ट करते हैं। रोज़ की तरह दो पराठे बनाए जिसमें हमारा आधा पराठा फिर भी रह जाते हैं, हम तीन बंदे खाते। तो एक कप अपने लिए चाय बनाई और दूध वाली सेवइयां बनाई। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अच्छा जी, तो हम लोगों ने सुन लिया कि बस रेड बटन को ही क्लिक कर देना। फिर यहाँ हम लोगों ने सैरी कर ली और यहाँ बस थोड़ी गपशप कर ली, ईद की बातें कर ली, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, ईद मिलेगी नहीं मिलेगी और पता नहीं और क्या क्या बात कर रही थी, अभी मैं भूल गई। उसके बाद मैं उठते ही 2 बजे फिर मैंने नमाज़ अदा कर दी, किचन की तरफ आ गई क्योंकि आज सिस्टर की इफ्तारी थी हमारी तरफ। तो फिर मैं किचन में आ गई, यहाँ प्याज कट कर रही थी, साथ में मैंने अपनी 2 उंगलियों को भी कट कर दिया था और रो भी रही थी क्योंकि प्याज तो मुझे रुलाया था। उसके बाद मैंने कस्टर्ड बनाया, फ्रूट्स वाला कस्टर्ड बनाया और चने की चाट भी बनाई और पुलाव भी बनाया। आप सब ये वीडियो देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा जी, आप सब देख रहे हैं ना कि मैं कितना काम कर लेती हूँ, और कभी कभी करती हूँ, वैसे नहीं डेली नहीं करती हूँ। और यहाँ तो खैर मैंने सारा अकेले में नहीं किया और बहुत सारा काम मेरी हेल्पर ने भी किया और साथ में सिस्टर ने भी किया, उनको तो अलाउ नहीं इसलिए वो सामने आई नहीं। और ये मैंने फ्रूट्स वगैरह ऐड किए कस्टर्ड में और चने की चाट भी बनाई, ये रही साथ में पड़ी हुई है। उसके बाद पकौड़े की तैयारी की, एग्ज़ाम के 30 मिनट पहले ही मैंने सारा काम मुकम्मल कर लिया था। और फिर हम लोगों ने दस्तखान लगाया, सारा फ्रूट्स वगैरह रखा, 3 ट्रेस फ्रूट्स था, इसमें एक ट्रेस भी हम लोगों ने फ्रूट नहीं खाया होगा, शरबत की तरफ तो किसी ने देखा ही नहीं। पकौड़े भी आधे रह गए थे, ये दूसरी चाट चने की ये भी आधी रह गई थी। और बस क्या कहें कि नहीं खाया जाता वो, बस चावल वगैरह पुलाव तो ये हम लोगों ने खाए थे, इतने पकौड़े रह गए थे, ये देखो ये सारी चीज़ें बाद में भी रह गई थी। तो इसलिए मैं इतना मेहनत नहीं करती हूँ, जब हम 3-4 बंदे होते हैं ना तो हम लोग इतना मेहनत वगैरह नहीं करते। हाँ बट ये हम लोगों ने पुलाव बड़े शौक से खाया था, जितना बनाया था सब हम लोगों ने खा लिया था, बहुत टेस्टी बना था और सबने तारीफ भी की, बहुत अच्छा। पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए, इतना झिला मैं।